के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। मैं विक्रम पटौल, वैसो माउंटेन क्लास कलजी खाल में आज मैं इधर घूमने निकला था, तो ये थापली की तरफ से हो रही है, डांग बने गाँव की तरफ। तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपने किट बांटने में लगे हुए हैं और घर घर जाके थर्मल स्नेकिंग आदि कर रहे हैं। तो उनसे यहाँ पे आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं मनोहर पाड़ी जी, वो हैं हमारे साथ। तो उनसे पूछते हैं, पाड़ी जी, आज जैसे आप ये गांव भ्रमण में आए, तो ये भ्रमण में क्या आपको उद्देश्य क्या है? ये हमारा उद्देश्य ये है कि जिस प्रकार से 2.5 महीने जो है यहाँ पे कोरोना काल चला, और कोरोना काल में जब सरकार को, उत्तराखंड सरकार को जनता की मदद करनी चाहिए थी, जनता की देखभाल करनी चाहिए थी, सरकार जो है बिल्कुल नाकाम रही है। जनता की कोई देखभाल सरकार के द्वारा नहीं दी गई, और जैसे कि मान लिया जाए आशा कार्यकर्ती या आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के पास ऑक्सीमीटर दिए गए, वो सारे खराब ऑक्सीमीटर थे। तो हमने ये सोचा कि चलो मान लिया जाए अभी हाल में तो जो है कि थोड़ा सा कोरोना काल कम हो गया, लेकिन हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने ये सोचा कि भाई क्यों ना थोड़ा सा लोगों की एक मतलब जो है थर्मलिंग और ऑक्सीजन जांच की जाए, और जिन लोगों में थोड़ी सी अगर ऑक्सीजन और टेम्परेचर की दिक्कत है तो हमारे पास जो है डॉक्टरों के द्वारा प्रमाणित जो है दवाइयाँ हैं, उन दवाइयों को हम जो है लोगों को दे रहे हैं, और सब लोगों को नहीं दे रहे, जिनमें कुछ दिक्कतें हैं तो दे रहे हैं। और जो ये काम सरकार को करना चाहिए था, लेकिन सरकार जो है 2.5 महीने से ये कोरोना काल में सरकार ने बिल्कुल भी जो है जनता की सुध नहीं ली। सरकार जो है, मैं तो ये कहता हूँ कि मैं पौड़ी की बात कर रहा हूँ, पौड़ी में विधायक जी को हमने कहीं नहीं देखा क्षेत्र में, और आप तो खुद स्वयं पत्रकार हैं, आपको पता होगा कि जो है कि जो क्षेत्रीय विधायक, जनप्रतिनिधि जिसको कहा जाता है, वो क्षेत्रीय विधायक और जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका काम बनता था कि गाँव जा कर के जनता की सुध ले, जनता के सुख दुख में शामिल हो, तो उन्होंने नहीं किया। वो कोरोना के डर के मारे अपने घर के अंदर अंडरग्राउंड हो गए, जनता के बीच में नहीं आए। दूसरी बात मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सरकार के द्वारा माननीय आज जो हमारे आज के मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत जी, उन्होंने कहा था कि प्रत्येक विधायक जो है 1-1 करोड़ रुपया जनता पे खर्च करेगा कोरोना काल में, लेकिन मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। मैं गांव-गांव जा रहा हूँ, घर घर जा रहा हूँ, मेरे साथ हमारे संगठन मंत्री अव्वल सिंह रावत जी हैं, मेरे साथ हमारे सोशल मीडिया प्रभारी धीरज कोहली जी हैं, हमारी पूरी टीम, और ऐसे हमारी 20 टीमें काम कर रही है जो पूरे क्षेत्र में, पूरी विधानसभा में, और मैं तो पौड़ी की बात नहीं, पूरी जितने भी हमारी विधानसभा 70 की 70 विधानसभा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर गाँव गाँव जा रहे हैं। हमने एक नारा दिया था, हर घर हर गाँव कोरोना बुखार मुक्त होना चाहिए, लेकिन 1 करोड़ रुपये जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कोरोना पे खर्च होना चाहिए था, वो पैसा कहाँ गया? मुझे तो ये समझ में नहीं आया। कहीं पे भी गांव में पूछ लो, किसी को भी 1 रुपये की मदद नहीं दी गई। हाँ, 1 दवाइयाँ दी गई थी, उसका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन वो भी ऐसी दवाइयाँ थी कि पेट के कीड़े मारने वाली। अब पेट का कीड़ा मर जाएगा तो हमारी इम्यूनिटी ख़त्म हो जाएगी, इम्यूनिटी ख़त्म हो जाएगी तो आदमी की हालत ख़राब होगी, लेकिन किसी ने भी वो दवाइयाँ नहीं खाई। मैंने खुद, हमारे घर में भी दी गई थी, हमने नहीं खाई। लेकिन मैं कहता हूँ कि सरकार जो है जनता के लिए होती है, और जनता की देखभाल करना सरकार का काम बनता है, और इसलिए भी बनता है कि जो सरकार के पास जो पैसा है वो जनता के टैक्स का पैसा है, जनता की जेब का पैसा है, और आज वो पैसा सारा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, भ्रष्टाचार में गया। जैसे आपने देखा होगा कुंभ में, आपने देखा हरिद्वार में कि जो फर्जी वहाँ पे RT-PCR की रिपोर्टें दी गई, फर्जी वहाँ पे कोरोना टेस्ट हुआ, ये किट पे जो है 700 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ। अब किट एक है, 700 लोगों का कैसे हो गया भाई, ये समझ में नहीं आया। तो ये सारी सरकार, हमने सोचा था, जनता ने सोचा था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को बदलने के बाद नए मुख्यमंत्री साहब कुछ करेंगे, ये तो और भी ज़्यादा बेकार मुख्यमंत्री यहाँ पर निकले। इन्होंने एक अभी योजना वो चलाई थी कि सरकार के 100 दिन, तो हम 100 दिन क्यों माने भाई, हम तो 4.5 साल मानेंगे, क्योंकि सरकार तो बीजेपी की है। तो 4.5 साल में इन्होंने जो है, जो हमारी वर्तमान सरकार है, चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी रहे हों, चाहे तीरथ सिंह रावत जी रहे हों, इन्होंने 4.5 साल में जनता के साथ छलाव के अलावा कुछ नहीं किया, ये एक ढेले का काम नहीं किया। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप स्वयं मेरे साथ गांव में चलिए और गांव के लोग खुद कहेंगे इस बात को। हाँ, कुछ एक बार मैं पूछना था कि जैसे 2022 का भी चुनाव नज़दीक है, तो उस बारे में आपकी पार्टी की क्या रणनीति है? नहीं, हमारी तो रणनीति साफ है। देखो, ऐसा है कि जो काम करेगा उसको जनता के बीच में आना चाहिए, और 2022 में हम लोग
70 की 70 विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, दमखम के साथ लड़ेंगे और निरंतर जो है जनता की सेवा में। मैं तो आपको पता है कि मैं कोरोना काल में भी 14 या 15 दिन घर पे था, इसलिए कि मुझे खुद जो है फीवर था, इसलिए बाहर नहीं निकला, क्वारंटाइन था। लेकिन उसके बाद तुरंत तो जो है हम जनता के बीच में लगे हुए हैं और मेरी विधानसभा में 726 गांव है, 726 गांव में से करीबन अभी तक मैंने 450 गांव कवर कर लिए, 450 गांव मेरे कवर हो गए। और कवर ऐसा अगर मुझे फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है, अलग बात है, मैं घर घर जा रहा हूँ, गाँव गाँव जा रहा हूँ, घर घर तक, ये एक अकेला मकान भी है तो वहाँ तक पहुँच रहा हूँ, लोगों को जो भी कोरोना से संबंधित, बुखार से संबंधित जानकारियाँ देनी है, जो उनकी जो है थर्मल गन से टेम्परेचर जांच करना है, ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन जांच करना, वो हम लोग कर रहे हैं और प्रमाणित दवाइयाँ हमारे पास डॉक्टरों के द्वारा दी गई है, उनको हम दे रहे हैं। जैसे कि आप बोल रहे हो कि आप इतने गाँव में गए यार, वहाँ पर आपने सब कुछ किया, पार्टी आपके, तो आप तो जिस हिसाब से बोल रहे हैं कि मतलब आप जैसे कि आपको अगले विधानसभा में यहाँ करने, तो क्या पार्टी ने आपको अगले विधानसभा के लिए यहाँ करने घोषित कर दिया? ये मैं नहीं कहता कि मैं अभी, जब वो तो पार्टी का हाईकमान का फैसला होता है कि भाई अब जो हमारा सभी पार्टियों का हाईकमान होता है, पार्टी अब क्या करेगी, किसको देगी, वो अलग बात है। लेकिन एक मानवता के आधार पर भी हमने जो है जनता की सेवा में हम सब लोग लगे हुए हैं, हमारी पूरी टीम लगी है। और 2022 में किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, वो तो बाद की बात है, अभी इस पे हम लोगों ने कोई विचार नहीं किया। ऐसा मेरा ध्येय भी नहीं है कि 2022 में मुझे पार्टी टिकट देगी, अगर पार्टी टिकट देगी तो हम तो जनता की सेवा पे लगे ही हैं, और उसके बाद जब जनता सहयोग करेगी तो और बढ़िया तरीके से, जैसे दिल्ली में हम लोग जो आम आदमी पार्टी काम करी, यहाँ भी करेंगे। जैसे कि आपने कुछ समय पहले यहाँ पे आपकी पार्टी ने बताया था कि यहाँ पे बूथ लेवल पे आप कार्यकर्ता बनाओगे, बूथ लेवल में काम करोगे, तो लेकिन अभी हमें पूरा नजर नहीं आ रहा कि बूथ लेवल में आप लोगों ने अपने कार्यकर्ता, तो उस लेवल में पहुँचने के लिए अभी तो समय तो बहुत कम है। ऐसा जैसे शायद आपको जानकारी नहीं होगी पटवाल जी, लेकिन हमारे 156 पोलिंग बूथ है, 156 पोलिंग बूथों पर हमारे पोलिंग एजेंट भी है और पोलिंग एजेंट के साथ पोलिंग प्रभारी भी है, पोलिंग अध्यक्ष भी होते हैं, हमारे एजेंट अलग होता है, अध्यक्ष अलग होता है और प्रभारी अलग होता है, तो ये तीनों हैं। और एक बूथ पे कम से कम हमारे किसी में 5 लोग हैं, किसी में 10 लोग हैं, किसी में ज़्यादा भी हैं, 156 पोलिंग बूथ, और मैं उंगली में उन लोगों के नाम गिनवा सकता हूँ कि किस किस पोलिंग बूथ पे हमारे कौन कौन कार्यकर्ता है। तो हमारे पूरे 156 पोलिंग बूथों में आदमी हैं, काम कर रहे हैं, जनता की सेवा में भी लगे हुए हैं। और ऐसा नहीं है, पूरा सिस्टम हम, जनता भी बदलना चाहती है, इस बार तो जनता ने पूरा मन बना लिया कि 21 सालों से ये उत्तराखंड जो है बिल्कुल जो है ठगा जा रहा है, काम एक ढेला के नहीं, मिल बांट के दोनों भाई कांग्रेस बीजेपी खा रही है, तो इस बार जनता जो है इनको सबक सिखाएगी और आम आदमी पार्टी को जो है अपना आशीर्वादी रूप वोट दे करके जिताएगी। और जो है यहाँ पर जो है कर्नल अजय कोठियाल जी हमारे CM के कैंडिडेट होंगे शायद, मुझे ऐसा आभास है, तो कर्नल साहब जो आज भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो उनके नेतृत्व में हम सब लोग मिल बांट करके काम करेंगे और जनता की सेवा करेंगे। यात्रानंद पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। वाला दिनों ते से किस मान लिया वा ए जा।